लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी किए गए बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के घोषणा पत्र को एक व्यक्ति की आवाज करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इसे बंद कमरे में तैयार किया गया है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। उन्होंने यह दावा किया कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और उसमें जनता की आवाज शामिल है। गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विचार विमर्श के माध्यम से तैयार हुआ, इसमें 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की आवाज शामिल है। यह साझेदारी भरा और प्रभावशाली दस्तावेज है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का घोषणा पत्र बंद कमरे में तैयार किया गया है, इसमें एक अलग थलग पड़ चुके व्यक्ति की आवाज है। यह अदूरदर्शी और अहंकार से भरा हुआ है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देने के साथ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही 60 साल की उम्र के बाद किसानों और छोटे दुकानदारों को पेंशन देने सहित कई वादे किए गए हैं। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।